अस्सलामुअलैकुम गाइस, हाउ आर यू? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बड़ा ऑर्गेनिक किस्म का एक आइडिया है। और हमने छोटे छोटे चिक्स पाले हुए हैं, उन चिक्स को जाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं, मौसम थोड़ा ठंडा है, तो ठंडे मौसम में कोई ऐसी हीट वाली चीज़ फीड के अलावा, जो अगर हम चाह रहे हों कि फीड के अलावा कोई चीज़ उन्हें तो वो आज मैं आपको नुस्खा छोटा सा बताऊंगा, घरेलू नुस्खा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है जी खल, ये खल है, हमने थोड़ी सी ये खल ले लेनी है। ये ज़्यादा ज़्यादा 50 रुपीज़ के जी है या 60 रुपीज़ के जी आप जो है परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़ी सी चोकर है, आपने इन दोनों को एक बाउल में डाल देना है और दोनों को मिक्स कर देना है कुछ इस तरह से। और इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, और ये पूरी रात जब ओवरनाइट आप इसको रखेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा और ये फूल जाएगा और कुछ इस तरह का बन जाएगा। हमने इसको मिक्स कर देना है, ये नरम भी होगा गीला भी होगा। तो इसके बाद इसमें थोड़ी थोड़ी बदबू पैदा हो जाएगी, जैसे बदबू पैदा होगी इसमें मक्खियाँ आएंगी, सर्दियों का मौसम है मक्खियाँ आएंगी, इसके ऊपर एग लेइंग होगी, एग लेइंग करेंगे तो ये बन जाएंगी थोड़ी थोड़ी वॉर्म्स। अब ये हम इसको रखेंगे सिर्फ ज़्यादा नहीं 3-4 दिनों के लिए हमने रखना है, और 3-4 दिनों तक जो है हम इसमें देखेंगे वॉर्म्स पैदा हो जाएंगे। तो गाइस वेट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्खियाँ आ रही हैं और यहाँ पे इन्होंने अंडे देने, और इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में इसी में आपको जो है वॉर्म्स मिलेंगी। इसमें सारे हर किस्म की मक्खियाँ बैठी हुई हैं। हाय गाइस, आज तीसरा दिन है और ये आप देख रहे हैं कि इसमें थोड़े थोड़े वॉर्म्स पैदा हो गई हैं। ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए वॉर्म्स हैं यहाँ पे। ये देखिए इसी तरह भी थोड़े थोड़े कल तक ये और ज्यादा हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी गाइस वेलकम बैक, आज 5वां दिन है और यू कैन सी, ये देखें जरा मैगेट्स और इसमें सूंडियां। ये देखें, ये सर्दी है, सर्दी की वजह से मूव नहीं कर रही है ये सारी की सारी। ये देखिए कि मैंने ऊपर से नीचे किया है, ये मूव कर रही हैं, ये काफ़ी सारी हैं। ये कम से कम भी ये जितना ये बाउल में मटेरियल मौजूद है इससे 1/4 जो है वो यही हैं। देखिए छोटी बड़ी हर किस्म की, जहाँ भी मैं ये देखें कितनी सारी माशाल्लाह। तो ये हमारे चिकन्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं और ये फीड का काम करती हैं और इस सर्दियों में ये गर्मी प्रोवाइड करती हैं, तो हीट प्रोवाइड करती हैं। सबसे ज़बरदस्त फूड न्यूट्रिशियस जो है इनके लिए यही है, वो देखें खुद आ रही हैं बाहर। तो ओके लेट्स मूव, अब इनको चिकन्स को डालते हैं। जी गाइस ये देखिए इसमें वॉर्म्स हैं, ये सारा का सारा मटेरियल मैंने बाउल यहाँ खाली कर दी है। ये देखिए जरा वॉर्म्स हैं और ये मुर्गियों के लिए बेस्ट फूड है। ये अभी इसको आके अभी देखें जरा, इसमें से अभी ये खाएंगे इसे, इसको मैं इस तरह कवर कर दूंगा, ये सारे वॉर्म्स बीच में से निकल निकल के बाहर आएंगे और ये इनके लिए पावर हाउस है
ये फीड आती जाएगी इनकी, बाहर आती जाएगी और मुर्गियाँ इन्हें खाती जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल, मज़ीद इससे अच्छे टिप्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और ये देखिए ये मैंने बना दिया पावर हाउस पिरामिड तैयार कर दिए। तो इसमें से जो है वॉर्म्स बाहर खुद ब खुद आती जाएंगी और ये मेरे चिक्स को फीड करती जाएंगी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये ढूंढ रही हैं अब इनको, यहाँ से वॉर्म्स मिल रहे हैं। ये सारा कुछ ये फीड छोड़ के और ये सारे दाना वाना छोड़ के इसकी तरफ आएंगे।